शॉर्ट साइटेड नहीं होना, हमें विशाल हृदय होना होता है। हमारे प्रोग्राम डियर मेंबर्स ऑफ रोजमेरी फैमिली एंड सिटीजंस, अवेकेंड सिटीजंस ऑफ द कंट्री, आप सभी जानते हैं कि अगर हम चाहते हैं प्रगति, विकास, उन्नति, मेहनत, तो हम शॉर्ट साइटेड नहीं होना होता, हमें विशाल हृदय होना होता है। हमारे प्रोग्राम में सबका प्रयास से सबका विकास होना चाहिए, तभी हम सबका विश्वास भी जीत सकते हैं और सभी का साथ मिलेगा। क्यों? कि देश का हर नागरिक जब वो स्वावलंबी होगा तो देशभक्ति तो होगा। इसलिए ये कहना कि लोगों को केजरीवाल की तरह से मुफ्त बांट बांट के भिखारी बनाना, क्या ये उचित है? आंसर कम से कम, इससे वोट मिल जाएंगे, इससे सरकार चल जाएगी, लेकिन जैसे किसी जमाने में सेठ गरीबों में चीजें बांटकर मंदिर बनवाते थे और वाहवा पाते थे, ये वही तो शासन और सत्ता का राजनीतिक है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश और देशवासी सशक्त हो, तो हम उन्हें कमाने के तरीके, हम उन्हें हिम्मत दें, हम उनमें आशा का संचार करें कि तुमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। पैसा देने से, पैसा बांटने से, एक तरफ आप पैसा बांटते हो और दूसरी तरफ आप शराब के ठेके चलाते हो। शराब के ठेकों से जहां से आपको 125-30% एक्साइज ड्यूटी मिलती है, वो उसी 500 से 1000 रुपए कमाने वाले से तो मिलती है जो अपने घर में खाना ले जाने के लिए में एक पत्ता जरूर ले जाते हैं, टोला जरूर ले जाते हैं। तो आप एक तरफ उसे फ्री देते हो बिजली, फ्री देते हो अन्न, लेकिन दूसरी तरफ आप एक्साइज के माध्यम से उसे ठेको देते हो, तो ये गलत है। अगर हम चाहते हैं कि किसी को स्वावलंबी बनाएं, आत्मनिर्भर बनाएं, तो सड़क पर भीख मांगने वालों की संख्या घटाइए ना, वो खाना देके नहीं घटेगी, वो काम सिखाइए, स्वावलंबी बनाइए। क्यों? कि राइट काइंड ऑफ हेल्प क्या है, कि लोग अपनी मुसीबतों को स्वयं झेल सके। राइट वे क्या है, अपने जीवन में आई जो ट्रबल्स है उनका उपचार हम स्वयं कर सकते। हमें चाहिए कि हम लोगों में प्रेरणा का संचार करें, हिम्मत का संचार करें, विश्वास का संचार करें, ताकि आने वाले युगों में भारत आत्मनिर्भर भारत हो, उसे विदेशियों पर चिंता न रहना पड़े, अन्यथा ठीक इसी तरह से जैसे अफगानिस्तान से तालिबानी लोगों की प्रवेश का कारण क्या रहा, पाकिस्तान ने उन्हें ट्रेड क्यों किया, अफगानिस्तान से जब अंग्रेज आएंगे तो ये सारे अनपढ़ लोग हावी हो जाएंगे, हावी तो हो जाएंगे लेकिन इनको सत्ता चलानी, सड़कें बनवानी, रेल चलाना, पैसा बांटना, ये सब कहां से आएगा, सब पढ़े केवल क्या अफीम, पैसा आ जाने से, पूरे विश्व को खराब कर देने से कोई संसार की उन्नति करने के काम का आंसर नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि व्यक्ति, परिवार, समाज, देश और विश्व मार काट ना हो, गले न रेपे जाए और लोगों के अंदर स्वावलंबन आए, तो लोगों को उनकी मुसीबतों को स्वयं झेलना सिखाना होगा, दूसरों के दिए गए दान पर, ज़कात पर, जैसे पाकिस्तान अब तक जिंदा है, लेकिन नौबत क्या आ गई कि चीन का अभियान है? क्या ऐसा ही हम अफगानिस्तान में चाहते थे जब हमने उनके यहाँ पार्लियामेंट हाउस बनवाया और मदद की? नॉट एट ऑल। अगर हम चाहते हैं तो जैसे पंचशील का मुखिया कहता है कि
कि मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मैं प्रेसिडेंट का काम करूँगा जब प्रेसिडेंट से करें, तो हमें उन्हें सपोर्ट देनी चाहिए और हमें तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए, अन्यथा किसी समय हमारे देश में भी वो स्थिति वैसे ही होगी जैसे 17 बार 18 बार 19 बार 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 लोगों ने सोमनाथ और अन्य मंदिरों पर हमला किया। हम चाहते हैं कि सभी स्वावलंबी, सभी अपनी मुसीबतों पर विजय स्वयं प्राप्त करना सके। हमें नहीं चाहिए कि हम लोगों को अपनी कृपा पे पाले, दया पे पाले, सहयोग पे पाले, ये अच्छी उसके लिए हमें हिम्मत ही करना, दूसरों को सही रूप से मदद करने का नेस्ट क्या है कि हमारे पास क्लियर हेड हो, वाइज जजमेंट हो, और जब हमारे पास क्लियर हेड वाइज जजमेंट होगा, हम समर्थ और सशक्त लोगों को बनाएंगे तो निश्चित रूप से हमें किसी को अंडरवाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी पर दया करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को सहयोग और किसी की आजादी पर हम कुठाराघात नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। अपनी आजादी को हम जैसे मिटा नहीं सकते, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते, ठीक इसी तरह आर्थिक रूप से हमें लोगों को चिंता मुक्त करना होगा, जब लोग चिंता मुक्त होंगे तो एडिक्शन से बाहर आएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम लोगों को डिस्ट्रेस से, फ्रस्ट्रेशन से, टेंशन से यदि बाहर आना चाहते हैं, आत्मविश्वास करने के लिए स्वाभिमान जगाएं और सबका साथ लें, सबका विकास करें और उसके लिए प्रेरित हों। इसलिए ये जरूरी है कि जहां तक भी संभव हो हम लोगों को ब्रेड कमाने के तरीके से ब्रेड दें, जैसा कि योगी जी भी कर रहे हैं। वो भी अपने आप में गलत है कि आप लोगों को मुफ्त खाना बांटें, आप जिन्हें खाना देते हैं उन्हें काम भी दीजिए ताकि वो स्वावलंबी हो, अदरवाइज ये तो वोट की राजनीति है कि आप 5 साल ऐसे फ्री खाना दोगे 15 करोड़ लोगों को, आंसर कम से कम तो फिर इलेक्शन से पहले ही कोविड वालों को क्यों। तो अगर हम चाहते हैं कि हम देश को आगे ले जाएं तो हमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं परोक्ष रूप से मंत्री और शासक ताकि हर व्यक्ति संसार में स्वावलंबी आत्मसम्मान की स्थिति दे सके और हर व्यक्ति ये महसूस कर सके कि वो देश के लिए, वो वतन के लिए, वो समाज के लिए कुछ कर पाने में सक्षम, यही पैट्रियोटिज्म है, यही कॉस्मोपोलिटिज्म है, यही ट्रू सिटीजनशिप है। इट लिव एंड लेट एवरीबॉडी लिव। तो हमें ट्राई करना है कि हम अपने पड़ोसियों की मदद तो करें लेकिन पड़ोसियों पर निर्भर न होके जहां तक संभव हो अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयत्न और